ओके, ये शरणागति की भजन है। सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हार घरे, सर्वस्व तुम्हार सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हार घरे, सर्वस्व आमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, ठाकुर तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, तुम्हें बोलिया जान हमोरे, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हार खरे, सर्वस्व बांधिया निकटे आमारे पालीबे, रहीब तुमार द्वारे, बांधिया निकटे प्रतिपजने रे आशीते ना दीब, प्रतिपजने रे आशीते ना दीब, प्रतिपज राखी बगड़े रे, राखी सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हार घरे, सर्वस्व तब निज जन प्रसाद सेविया, उचिष्ट राखी बेजा, तब तब निज जन प्रसाद सेविया, उचिष्ट राखी बेजा, आमार भोजन परम आनंदे, आमार भोजन परम आनंदे, आमार प्रतिदिन हबे ताहा, प्रतिदिन सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हार घरे, सर्वस्व
કંદિયા ન બસિયા સુઈયા તુમાર ચરણ ચિંતી બસત આમે બસિયા બસિયા સુઈયા તુમાર ચરણ ચિંતી બસત આમે બસિયા નાચીતે નાચીતે નિકોટે જાઈબ નાચીતે નાચીતે નિકોટે જાઈબ જખન ડાકીબે તુમે જખન સર્વસ્વ તોમાર ચરણ સોપિયા પડીછિ તોમાર ઘરે સર્વસ્વ નિજેર પોષણ કભુ ના ભાવિબ રહીબ ભાવેર ભરે નિજેર પોષણ નિજેર પોષણ કભી ન ભાવિબ રહીબ ભાવેર ભરે ભક્તિ વિનોદ તુમારે પાલક ભક્તિ વિનોદ ભક્તિ વિનોદ તુમારે પાલક ભક્તિ બોલિયા વરણ કરે બોલિયા સર્વસ્વ તોમાર ચરણે સોપિયા પડીછિ તોમાર ઘરે સર્વસ્વ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान निताई गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की श्री कृष्ण कथा महोत्सव की समवेत भक्त वृंद की तो सुबह का सत्र में हम लोग भगवान कृष्ण के भास्कर दर्शन आप लोग के साथ पहली बार सुनना पड़े ये भी एक संस्कार होता है यस माताएं जो चाइल्ड ग्रो कर रहे हैं दे सुनो विटामिन डी कितने आवश्यकता है। आज मैं बाहर निकलते समय सुबह सेशन में एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे आजकल इसे भूल गए इतने बच्चे आते हैं सब हड्डी टेढ़ी मड़ी है क्योंकि सूर्य दर्शन कराते नहीं सब घर में रख रख कर आते हैं। चतुर्थ महीना में तीन चार महीना में उनको लाना चाहिए और सूर्य किरण में होना चाहिए जितने ले सके। ये सब शरीर हृष्ट पुष्ट होने का विधान ये संस्कार है चिराचरित प्रथा है हमारे सनातन धर्म में उसको हम भूल गए इसलिए ये सब चल रहा है और उसके लिए मैं कहा था कि क्योंकि सूर्य दर्शन होगा सूर्य भगवान की कृपा के लिए सब कुछ सूर्य वर्ण है पूरे ब्रज गोकुल आज अरुणिमा को धारण किया था पूरे घर प्रांगण पिलार सारे कपड़े भी सब कसाय वस्त्र जवा कुसुम शंखासम और गाय बछड़े सब लाल वर्ण के हैं जो रंगोली भी किए थे सब लाल कलर के स्वर्ण थाल लिए थे सोने की थाली में रक्त चंदन में कमल पुष्प अंकित किया गया था उसमें आदित्य मंडल आदित्य बीज में मंत्र लिखा गया था उसी के ऊपर में नील उज्ज्वल नंदन नंदन को बैठा करके पूजा किया जाएगा करवीर पुष्प के साथ वो भी लाल पुष्प है और कुंकुम तिलक उसमें अक्षत लगाया जाएगा और वसुधारा अर्पण करेंगे रक्षा सूत्र बंधन ये सब विधि है ये सब विप्रगण महर्षिगण ये सब पूजा विधि अपनाए और सूर्य दर्शन सूर्य पूजा सूर्य को अर्घ्य प्रदान पूजा ये सब हुआ और हरेक संस्कार के अंत में आजकल तो मैं यही कहता ही हूँ ऐसे कोई भी फेस्टिवल नहीं है कोई फेस्टिविटी है ही नहीं जिसका अंत में फिस्ट ना हो विदाउट फिस्ट देयर इज नो फेस्टिविटी है कि नहीं ऐसा कोई फेस्टिवल हो सकता नहीं चाहे किसी का जन्म है चाहे किसी का मृत्यु हो फिस्ट तो होना चाहिए उसमें क्या कुछ भी हो और ब्रज में तो नंद बाबा तो कुछ कंजूसी तो नहीं कर रहे थे दुग्ध दही का प्राचुर्य था
तो सूर्य पूजा के लिए आज भी पता नहीं सब जाएं कि नहीं, कृष्ण लीला में आगे आएगा जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहेंगे, उनके एक पुत्र होंगे श्याम्ब, उन वो व्याधि निराकरण के लिए सूर्य पूजा करेंगे, श्याम्ब दशमी आज भी अनेक जगह में करते हैं, दशमी के दिन सूर्य की पूजा, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए विविध विविध प्रकार के व्यंजन बनाया जाएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बना जाए सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैरायटी सब आइटम वो सब बनात करके सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं और प्रसाद पाते हैं सब। अब वो था चौथा महीना का फेस्टिवल, ब्रज गोकुल में नंदलाला जब से आया है, किसी के घर के आंगन में जो तोरण होता ना, तोरण समझते ना, चांदुआ ऐसे ऐसे टांगते सब रस्सी में, आम के पत्ता फूल सब, उसको तोरण बोला जाता है, बंधन बार, ये प्राय हर हफ्ता में एक दो बार बदल जाता है, क्योंकि हर हफ्ता में कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है, हर हफ्ता में खैर चेंज करना है। अब चौथा महीना में कुछ दिन के बाद में सूर्य दर्शन हुआ था, और पांचवा महीना हो गया, पांचवा महीना में ये नया फेस्टिवल आया, भूमिपवेशन, भूमि में बैठेंगे लाला। अभी तक भूमि में नहीं बैठे थे, लड़के लोग तो पैदा होने के बाद गोद में रहते हैं, पलने में रहते हैं, वो बेड में रहते हैं, है कि नहीं, मिट्टी पर बैठाना है, जमीन पर, ये भी एक संस्कार है, जिस दिन पहले जमीन पर बैठेंगे संतान को बैठा जाएगा, वो भी एक संस्कार है, पूजा संस्कार करके। महर्षि शांडिल्य ने ये तिथि निर्धारित किए देख करके पंजिका, कि मार्गशीर कार्तिक मार्गशीर पोष पोष मास में, और ये तिथि था, इसी में रेवती नक्षत्र था, उसी में भूमिपवेशन होगा। पहली बार नंदनंदन भूमि पर बैठेंगे, इसलिए भूमि देवी को पूजा करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रार्थना करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी व्रत सजेगा, भूमि बैठेंगे। ये तो सूर्य दर्शन हुआ था, लाल पीला सब कलर हुआ था, अब भूमि में बैठेंगे, इसके लिए क्या डेकोरेशन होगा, संपूर्ण ब्रज धरा को गोमय से उपलिप्त किया गया, गोमय समझते ना, गोबर में लिपा गया, आजकल तो गोबर कोई लिपते नहीं होंगे, पहले जमाने में जो गांव में कुकिंग होता था, किचन स्टार्ट होने से पहले गोबर से ला करके चूल्हा को लिपना होता था, तब जाकर के शुरू होगा, और कुछ भी बनेगा पहले अग्नि को भोग चढ़ाया जाएगा, तब जाकर किसी अग्नि को, गाय को, ब्राह्मण को, फिर जाकर किसको देंगे, ये सब संस्कार था, भूलते जा रहे हैं सब लोग, ये सब कथा सुनने से याद भी आएगा, कोई पालन भी कर सकते हैं। तो पूरे ब्रज धरा को गोमय गोबर से लिपा गया, भूमि देवी के ऊपर जब गोमय पड़ता है, गोबर स्पर्श करते हैं भूदेवी, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पूरे ब्रज धरा को गोमय से उपलिप्त किया गया, और उसमें हल्दी और चावल को पीस करके पाउडर करके सफ़ेद और पीला लंगर के वो रंगोली किया गया, सब नाना प्रकार के फूल आदि सब डेकोरेशन किया गया, और तिथि के हिसाब से आज नंदनंदन को भूमि पर बैठाया जाएगा। ये बात सोच करके कई लोग को लगता है आज तो कि कैसे देखेंगे, हमने हृदय को वज्र बनाना पड़ेगा क्या, इतने सुकुमार सुकुमल शरीर धरती पर कैसे बैठेंगे। पूष मास है, मैं बोला ना थोड़ा ठंडी भली, ठंडी भी है, कैसे बैठेगा,
तो महर्षिगण आ चुके थे सुबह सुबह, घट स्थापन हो चुका था, गणपति पूजन नवग्रह पूजन आदि हो चुका था। अब नंदराय के बुला करके भूमि सूक्त पाठ किया जाता है, एक विशेष मंत्र है भूदेवी आराधना, पृथ्वी के ऊपर अर्घ्य दिया जाएगा और एक विशेष प्रार्थना भूमि देवी को किया जाएगा। इस प्रार्थना से भूदेवी को प्रार्थना करते हैं, हे भूदेवी आप तो देवी है, आपके हृदय है, आपके अंदर भी वात्सल्य है, ये आकाम ये हमारे अति सुकुमार किसलय के समान ऐसे कोमल शरीर वाले नीलमणि को आज आप धारण करेंगे, आप जानबूझ करके आपने आप को थोड़ा कोमल बना लेना, क्योंकि नंदनंदन कभी अपने ताइयों के पास पिबरी खुद बता पिबरी ताई बता रही थी, पिबरी तुंगी हटीले मोटी मोटी थी ना, कभी कभी नीलमणि मचलता उनके पर उनके पास आने के लिए, उनके गोद में आने के लिए, वो डरती है उनको लेने के लिए, उनका हृदय मचलता उनको भी लेने के लिए, क्यों, क्योंकि कष्ट लगेगा मेरे इस हृष्ट पुष्ट गठिले शरीर उनके इतने सुकोमल अंग को कष्ट होगा ऐसे मान करके। और भूमि पर कैसे बैठाएंगे, अभी तक तो पलने पर थे, बेड पर थे, गोद में रहते थे, भूमि पर ऐसे कठोर शरीर तो उनको हुआ नहीं, कैसे बैठेंगे। लेकिन अगर भूमि पर नहीं बैठाया जाएगा तो अंग प्रत्यंग का विकास नहीं होता, केवल पलने पर रहे बेड पर रहे तो विकास नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि पांचवा महीना में बच्चों को भूमि पर बैठाए, भूमि पर वो सरकेंगे लिपटेंगे और घुटने बन में चलेंगे, तब उनका अंग प्रत्यंग सब पुष्ट होता है, विकास होता है, ये आवश्यक है। भूमि पर बैठकर एक सब लोटपोट ये सब नहीं होने से ये सब नहीं होता। तो इसलिए भूमि उपवेशन संस्कार ये बड़े आवश्यक है। तो भूमि सूक्त पाठ किए ऋषिगण ने, प्रार्थना किए भूदेवी को, हे भूदेवी सर्वसहा, और सब कुछ सहन करते हैं, धैर्य की मूर्ति है पृथ्वी देवी, जिसका धैर्य धारण करना किसी का नहीं है, लेकिन आप कृपा करके आज हमारे नीलमणि को धारण करने के लिए कोमल बन जाइए, उनके लिए मंगल बन जाइए। तो इस प्रकार के प्रार्थना भूदेवी के लिए भूसुक्त में किया गया, प्रार्थना करके पूजा करके फिर आज्ञा दिए कि अभी लाया जाए। अब जसोदाने पिबरी बोलती है, देवरानी जसोदाने अपने अंक धन को नीलमणि को लेकर के आई, हाथ कंपती है, वो भी नहीं चाहती किसी जमीन पर बैठा दूं, उनके हाथ कंपती है और जो देखते हैं उनके छाती कंपती है, इतने सुंदर सुकुमार शरीर धरती पर बैठा हो गया उसको, लेकिन धरती में ये जो सब रंगोली बना हुआ है, ये सब चित्र विचित्र फूल, उनको देख करके नीलमणि ने ऑलरेडी पैर नचा रहा है, उनके माँ के गोद में रहना नहीं चाहती वो, तो उनको देख करके बहुत किलकता है, मुझे जाना है, मुझे वहीं बैठना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है। पहली बार धरती पर उनको रखा गया, उनके जीवन में प्रथम बार था रखा गया, और इतने सुंदर इतने सारे लोगों को इतने सुंदर सजावट को देख करके जैसे धरती पर बैठा, वो अपने पैर को सिकोड़ करके हाथ को ऐसे करके बैठ गए, बैठ करके देख रहे चित्र विचित्र पुष्प सब, मन कर रहा था उसको पकड़े, लेकिन इतना तो ज्ञान था कि अगर मैं हाथ उठाऊंगा गिर जाऊंगा बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा इसलिए बैठकर देख रहे थे इधर उधर, हूँ हाँ कर रहे थे इधर से करके।
कभी हाथ नहीं उठा रहे थे, और माँ जसमती ने अपने दोनों हाथ को लाला के दोनों साइड में ऐसे करके ओंट पर रखिए, लाला को जानती है कभी गिर ना जाए, दोनों हाथ को दो साइड में रखिए, अपने हाथ के ओंट में उनको बैठा रखा है। थोड़ी देर बैठ करके देखें कि थोड़ा सा हाथ इधर उधर करूं तो गिर जाऊं, तो सुरक्षा के लिए माँ को प्रार्थना करना चाहिए था, तो माँ को देखने के लिए माँ दिखाई नहीं पड़ते, बाजू में नहीं तो माँ तो ऊपर में दो हाथ में हाथ दे कर नीचे बैठा है उनको, तो इधर उधर मुंह मोड़ने लगे, मुंह मोड़ के देखे कि माँ का हाथ है, उसी में लुढ़क गए। अब महर्षि बोले ठीक है अभी हो गया ऐसे उठा लो लुढ़क गया। इतने समय तक बैठे, थोड़ी देर उनके नितंब लाल हो गया, सहन नहीं होगा, इतने सुकोमल था उनका शरीर। लेकिन अब से प्राय प्रतिदिन भूमि पर बैठाए और भूमि पर लेटने, करवट बदलने, सरकने, घुटर बन चलने, ये सब अपने अंग प्रत्यंग हाथ पैर को पुष्ट विकसित करने के लिए अति आवश्यक ये भूमि उपवेशन संस्कार। तो भूमि देवी को विशेष पूजा किया गया था, भूमि देव के ऊपर नंदन नंदन को बैठाया गया था, और जितने नंदन नंदन के सखा सभी बैठे थे, केवल उनका नहीं, संस्कार तो केवल नाम उनका होता है, काम सबका होता है। ब्रज में गोप जाति पढ़े लिखे नहीं है, उनका स्कूल कॉलेज नहीं होता, वो तो जन्म से दो तीन साल के होते तो बछड़े गोबर उठाएंगे, बछड़े लेकर जाएंगे, गाय दुहेंगे, गोबर उठाएंगे, कंडा थापेंगे, लड़के लड़की फिर गाय चराएंगे, बस दैट्स इट, इसी में मास्टरी है, बाकी कुछ नहीं। और सचमुच आनंद इसी में था, इसी कल्चर में जो आनंद था, कृष्ण बलराम आकर सिखाए थे। जब से स्कूल कॉलेज ये सब आधुनिकीकरण ये सब बड़ा सब आया, तब से आनंद हाथ से निकल गया, इसी में आनंद था। आप नंद उत्सव के बारे में अगर पढ़ेंगे, उसमें दधिकाद उत्सव का वर्णन आता है, काद मतलब कीचड़, कीचड़ पानी से नहीं हुआ था, दही दूध और मक्खन से कीचड़ बना था, इतने प्राचुर्य था। तो इस प्रकार जो आपस में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य, पुरुष स्त्री बूढ़े बालक, उनके अंदर जो सौहार्द्य था, जो स्नेह था, जो बत्सलता था, आजकल सब कपटता भर गया, कुछ है ही नहीं। इस आधुनिकता आकर के, विशेषकर फोन आकर तो खत्म कर दिया रिलेशन, आजकल सो गया, रिलेशनशिप रहा ही नहीं आजकल। वास्तविक संबंध ज्ञान रिलेशनशिप तभी होता है जब इसको हम हटा दें, तब इतने प्रेम की वातावरण होता था, इस प्रकार के आनंद होता था। तो पांचवा महीना में भूमिपवेशन, अब नंदलाला ने भूमि पर बैठते हैं, सरकते हैं, घुटरबन पर चलते हैं, घुटरबन पर चल जाता ना फोर व्हीलिंग, और वो कर चुके हैं। तो अभी देखते देखते छह महीना होने को लगा, अब एक विशेष उत्सव आने वाला है, अन्न प्राशन। पहली बार अन्न भक्षण करेंगे, भगवान कहते अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये सारे प्राणी अन्न से प्रतिपालित हैं। और अभी तक तो ये बालक सब मातृस्तन पी रहे थे, माँ के स्तन पी रहे थे, कोई और कुछ खाए नहीं, टेस्टी नहीं किए। तो पहली बार अन्न का स्वाद ले दिया जाएगा उनको, उसके बाद फिर तो अन्न प्राशन में हम लोग आजकल क्या करते हैं, कोई को करते हैं, कोई लोग तो करते भी नहीं, उनको पता भी नहीं, करना भी चाहिए, कोई लोग करते हैं थोड़ा स्वीट राइस लेकर मुंह में चुटा देते फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अन्न प्राशन उत्सव में दो काम होता है, हरेक प्रकार रस को उनको चखाया जाता है,
केवल स्वीट राइस नहीं, कटु अमला तीक्ष्णा मधुर जितने नवरस नौ प्रकार के अलग अलग रस को चखाया जाता है, अधरोष्ट में लगाया जाता है। और उसके साथ साथ एक और उत्सव होता है अन्नप्रसन्न के दिन, जिसमें कई आइटम रखा जाता है मंडप पर, और उनको बच्चे को छोड़ देते हैं उनके वृत्ति देखने के लिए, किसको पकड़ेगा वो भविष्य में, वो क्या बनेगा वही निर्णय किया जाता है। स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है बच्चे को, कई खिलौने है, ग्रंथ है, धान है, माने चार वर्ण के प्रतीक को रखा जाएगा हरेक वर्ण के, और सोशल ऑर्डर स्पिरिचुअल ऑर्डर वर्ण और आश्रम के उचित सारे वस्तुओं रखा जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बढ़िया बढ़िया आइटम रखा जाएगा। बच्चे को छोड़ दे सो किसी को पकड़ता जा करके, तो लगेगा कि वो आगे चल कर इसी स्वभाव वाली बनेगा, इसी स्वभाव होगा, ये भी उसी दिन ये उत्सव होता है। तो अन्न प्राशन है आज श्री नंद गोकुल के ब्रजमंडल के ये इंद्र नीलमणि सदृश ब्रज के नन्हे युवराज आज प्रथम बार अन्न के स्वाद लेंगे। पूरे ब्रज में ये मैसेज फैला गया, प्रचारित किया गया, एडवर्टाइज किया गया, और पूरे ब्रज में सभी को आमंत्रित किया गया कि सब आइए। जब आज युवराज को ही अन्न दिया जाएगा और अन्न प्रसाद सबको दिया जाएगा, महाभोज के लिए सबको आमंत्रित किया गया, इसमें विशेष करके ये उत्सव के मुख्य अतिथि थे सुमुख गोप। आप नाम सुने सुमुख गोप के? सुमुख गोप हैं भगवान के मातामह। अभी समझ में आए मातामह किसको कहते हैं? आप तो आजकल सो लॉ में बोलेंगे, फादर इन लॉ, अब क्या करें ये विदेशी कल्चर क्या आ गया, सब लॉ में ले लेते हैं, आइन में, अरे संबंध है आइन में क्या है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जानते हैं ये लॉ कहां से आया? जब तक शादी नहीं होगा तब तक लॉ नहीं आएगा। शादी होगा, वाइफ कानून में जाएगा, कोर्ट में एग्रीमेंट करेगी, लेकिन वाइफ इन लॉ कोई नहीं कहेगा। कभी ये शब्द सुना वाइफ इन लॉ? नेवर। लेकिन वाइफ से जितने जुड़े हुए हैं सब लॉ में आएंगे, उनसे जितने संबंधित सभी को कानून में लिया जाएगा क्योंकि वही कानून है, वाइफ इट्स हरसेल्फ इज लॉ। इसलिए उनसे जो संबंधित है वो सब लॉ, उनके फादर होंगे फादर इन लॉ, उनके ब्रदर ब्रदर इन लॉ, उनके मदर मदर इन लॉ, सब लॉ में आएंगे। तो मातामह मतलब श्री जसोदा देवी के पिता के नाम था सुमुख। तो ये सनातन धर्म का रिवाज है, जिस दिन अन्न प्राशन होगा संतान का बेटा का, तो उनके मातुल घर से, मन मतलब माँ के मायके से, उनके घर से विशेष सज समन सब आएगा, भोजन आएगा, वस्त्र आएगा, आभरण आएगा, ये सब आएगा, पूरा भर करके बाहर आएगा। ये विधि है, उन्हीं के घर का है फेस्टिवल, वो सब देंगे, उनके घर का एक नया पैसा नहीं खर्च होगा, सारे फेस्टिविटी का खर्चा माँ के घर से आएगा, ये विधि है। तो इसलिए सुमुख गोप जो माँ जसोमती के पिताजी हैं, पितृव्य हैं, वो आज बोलते हैं कि मैं तो इसी तिथि के लिए अपेक्षा ही कर रहा था, मेरे पुत्री इतने सौभाग्यशाली है, उनके गोद में जब बेटा आया, गर्भ में आया, तभी से बोलती कब दिन आएगा, मेरे घर में तो आता ही नहीं उन्होंने, जब से अब उन्होंने, अब उनके घर में तो केवल नंदनंदन का नहीं होगा, बड़े कुमार श्री राम का भी नहीं हुआ अभी तक अन्नप्राशन, क्योंकि कोई राजी नहीं होते,
ब्रज के कोई शिशु के कोई उत्सव नहीं होता जब तक नीलमणिका नहीं होता, सब उन्हीं से होता है। सभी अपेक्षा कहें जब उनका होगा उत्सव, सभी उत्सव एक साथ में करेंगे। ब्रज गोपों का ये अभ्यास रहा कि सभी एक साथ में करना, शादीवादी भी एक साथ में थोक में कर देते थे सब। तो जो भी होता है गोष्ठी के साथ होता है, तो नीलमणि का उत्सव होगा, सबका उत्सव होगा। तो आज सुमुख गोप ने केवल जसोदा के लिए, नंदम राय के लिए और नीलमणि के लिए पोशाक और लड्डू और सब बाकी अन्न सामग्री नहीं, पूरे पांच भाई नंद हैं और उनके पत्नी और रोहिणी जी देवी और राम, इस सभी के लिए पूरे नंद गोकुल में जितने शिशु है सभी के अन्न प्राशन के लिए और सभी के घर के लिए वस्त्र आभरण अन्न फल मूल लेकर के आए, विशेष कुछ लेकर के आए। और उनका मन में इतनी उदारता है, आज मैं देखूंगा इतनी सब मैं जो लेकर आया हूँ। और उनमें सबसे सीनियर मोस्ट थी रोहिणी देवी, क्योंकि वो ये तो सब ग्वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। रोहिणी पूर्वंशी अनारी है, वो तो राजरानी है, हस्तिनापुर से आई है, पूर्वंशिया, बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत सुसंस्कृत है, क्षत्रियाणी है, ये सब ग्वालिन है। तो इसलिए को उनको रोहिणी को सब बहुत सम्मान करते थे। ब्रज के टेंपल कमांडर तो रोहिणी देवी थी, उन्हीं के ऑर्डर से मानते थे सब, अपने को दासी मानते थे, रानी तो रोहिणी थी। जसोदा भी बोलती जी जी जो करना है आप आदेश करो, हम तो आज्ञा पालन कर सकते हैं बस, जी 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 सभी उनको बोलते थे, दीदी दीदी दी बोलते थे। और सचमुच वो प्रशासिका थी, शासन उनके हाथ में था। तो उनके लिए भी सुमुख गोप ने नूतन साड़ी अलंकार आभरण से लेकर आई थी, यद्यपि उनके लिए कुछ नहीं, तो राजरानी है, वसुदेव की पत्नी है, उनके लिए कोई गाय चराने वाली थोड़ी है, लेकिन फिर भी उनके मान रक्षा करने के लिए उनकी लाए हुआ वस्त्र आभरण को उन्हें पहनी। बहुत खुश हो गए देख करके सुमुख जी, वाह 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 वाह, रोहिणी रानी ने, रानी माँ है, फिर भी मैं लाई हुई वस्त्र को पहनी, अलंकार पहनी, और बाकी सब तो पहने ही थे। जितने शिशु है राम श्याम तो है ही है, ऋषभ तोक भद्र विशाल अर्जुन सब, सबका जन्म प्राशन होगा और सबके लिए वस्त्र आभरण लेकर आए थे। और बहुत प्रसन्नचित थे आज के उत्सव के लिए, और आज के उत्सव के लिए तो पूरे ब्रज में सभी गांव को निमंत्रित किया गया। सुमुख गोप नंद भवन में आ चुके हैं, बहुत सारे व्यवहार मतलब आइटम लेकर के आए हैं, बहुत सारे आइटम लाए हैं, और आकर खुद आइटम छकड़ा में लोड करके लेकर आए, सबको दे रहे हैं, आपके लिए ये है, आपके लिए ये, आपके लिए ये सब पहनो, ये सब करो। आकर देख रहे हैं कि दूर दूर से नंद आंगन में न जाने हजारों छकड़ा लोडेड सब आ रहा है, लोग आ रहे हैं, ले लेकर आ रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएं? आज हमारे नन्हा सा युवराज का अन्नप्राशन उत्सव है, उनके लिए हम खाली हाथ जाएंगे, लेकर जाएंगे। विविध विविध प्रकार के वस्तुएं छकड़े में भर भर करके हजारों छकड़े आ करके पार्किंग कर रहा है। नंद महाराज अपने वैभव लुटाने लगे हैं, लेकिन जितने लुटाते इतने से ज्यादा आ रहा है। अब आप जानते हैं कोई फेस्टिवल आप करते होंगे, जितना आप बजट उनसे ज्यादा आए, डोनेशन आए तो कैसा लगेगा? स्वाभाविक खुशी होंगे कि नहीं? आप जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे, खर्चे का बजट जितना है उसका तीन चार गुना अगर आए कमाई, तो कितने खुश होंगे। तो पूरे ब्रज के लोग विविध सामग्री बैलगाड़ी में लोड करके लेकर आ रहे थे। सभी के मन में एक ही नारा है, एक ही आग्रह है कि आज तो हम अपने युवराज के प्रसादी पाएंगे, आज तो हम ऐसे नहीं खाएंगे,
आज तो नंदनंदन हमारे भाभी युवराज के प्रसाद हम पाएंगे, यही आशा है, नहीं तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो उन्हीं के प्रसाद पाएंगे। और नंद राय बोल रहे हैं कि नंद बाबा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सबसे छोटा है, जूनियर मोस्ट है, इसलिए सब आप लोग पा लीजिए, आपके झूठन वो पाएगा तो पवित्र होगा, उनका कल्याण होगा, आप सब बड़े हैं बड़े बूढ़े हैं पा लीजिए। कोई नहीं पाता था, ऋषि मंडली ब्राह्मण मंडली भी नहीं खाते थे, बोले ना हम भी नहीं खाएंगे, उनके प्रसाद पाएंगे। नंद बाबा तो बैठ गए, क्या कर रहे हैं, मेरे बेटा को आशीर्वाद देने, तो मर्यादा पालन करने के लिए ब्राह्मण को खाना पड़ा, नहीं तो नहीं खाते थे, हट कर बैठ गए थे, पर पकड़ करके अष्टांग प्रणाम करना पड़ा नंद राव को, कर क्या रहे मेरे बेटे के लिए आपने, तो बेचारे मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनको भोजन करना पड़ा। नंद महाराज की इच्छा के अनुसार गोपों ने घूम घूम करके ढूंढ ढूंढ करके जितने अतिथि जितने जाचक जितने भिक्षुक जो थे आसपास में 10-20 किलोमीटर सब पकड़ पकड़ कर भोजन कराए, सबको भोजन कराना है फूल, कोई बाकी नहीं, पशु पक्षी गाय बछड़े कोई ना बाकी रहे, सबको खिलाएं, आज नंदनंदन प्रसाद पाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेंगे, सबको खिलाए। लेकिन ब्रजवासी बोले हम नहीं खाएंगे, हम तो हमारे युवराज के प्रसाद पावेंगे, उनको पहले पवाओ फिर हम पावेंगे। सुमुख जी बोलते हैं बात तो सही है, और क्या, हम बड़े बूढ़े हैं लेकिन हमारा दोहित्र पाएगा फिर हम पाएंगे। तो किचन में गए देखने के लिए क्या क्या आइटम बनाए आज, आज के स्पेशल फिस्ट के लिए, चश्मा लगाए होंगे शायद, तो कितने तो चलो बताना। और जा करके देखते हैं, अभी तक ऐसे ऐसे आइटम ना कभी आंख उठने से अभी तक देखे थे ना सुने थे ना टेस्ट की, इतने विविध विविध प्रकार के, इतने वेराइटीज, सबसे पुराने सीनियर मोस्ट गोप थे सुमुख जी, वो आकर बता रहे ये गोप कन्याएं ये सब वेराइटी बनाना कब से सीख गए, ये तो हम कभी देखे नहीं सुने नहीं खाने कहाँ बनाए। उनका कहना था लगता है हो ना हो साक्षात देवी अन्नपूर्णा और उनके स्टाफ भेष बदलाकर उन्हीं में आकर के गोप कन्याओं के बीच में छिप कर बैठी है, वही से बना रहे लग रहा, नहीं तो ये सब व्यंजन कौन बनाएगा। और सत्य तो ही था, नंदनंदन के प्रथम अन्न भोजन के लिए साक्षात श्री लक्ष्मी देवी अपने पूरे परिकरों को लेकर के पूरे स्टाफ को लेकर के पहले से आ चुकी थी और सब ग्वालिन बन चुकी थी, सबको होशियार, कोई आईडी छिपा कर रखना, गड़बड़ करने से भगा दिया जाएंगे सब, गेट आउट। सारे देवियां सतर्क होकर के लक्ष्मी के निर्देशन में से कुकिंग में लगे हैं, सब्जी काटना बांटना छांटना सब मेड बनकर आए हैं, आज सब सब मेड बनकर काम कर रही है सारे देवियां, इसलिए ऐसे विविध व्यंजन, ये कोई गोपकन्या के आइटम नहीं है, ये तो सब लक्ष्मी की उन्हीं के बनाए हुआ आइटम सब है, इसलिए सुस्वाद सुगंध युक्त है, देखने बनता था। अब नंदनंदन को भोजन दिया जाएगा, अब भी पूजा किया जाएगा, विप्र मंडली महर्षि मंडली सैंडल्य आदि आए, तिथि निर्दिष्ट किया गया था माघ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि गुरुवार के दिन, लक्ष्मी बार है गुरुवार, उसी दिन उनका अन्नप्राशन उत्सव होगा। और इस तिथि के अनुसार सब प्रकार के घट पूजन मंगल स्थापन सब कुछ हुआ, विशेष मंडप बनाया गया था कौशेय वस्त्र में, सफल कदली स्तंभ लगाया गया था और पूर्ण कुंभ पूर्ण घट स्थापना किया गया था, नाना प्रकार के बंधन बार तो खुलता कहाँ है, वो तो कल चेंज होता था,
और विविध प्रकार का डेकोरेशन किया गया था। पीवरी ताई ने बता रहे कि उनके पति उनको बता रहे थे अभिनंदने कि आज तो सारे ब्रजवासी अपने घर और आंगन को नहीं सजाया, प्रत्येक ब्रजवासी यही सोचते थे मन में अपने घर को आंगन को साफ सुथरा करके गोमय से लिप्त करके और सफल कदली और नाना प्रकार के तोरण बांध कर सजा करके इतने रात से उठकर करके मन में सबका क्या इच्छा है कि पिछले भूमि उपवेशन में तो हम देख कर के आए नंदनंदन तो भूमि पर बैठ गए, अभी घुटर बंद चल रहे हैं, आज हो ना हो सुबह मेरे द्वार पर मेरे आंगन में आ जाए सरक सरक करके, यही आशा सबका है। अगर आ जाए मेरे घर में नंदनंदन मैं क्या दूं उनको, कैसे सजाऊं, यही आशा रख करके प्रत्येक अपना अपने घर आंगन को सजा करके रख रहे हैं। और यही आशा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि केवल जितने ब्रजवासी अपने अपने घर और द्वार को आंगन को रास्ता को नहीं सजाए, पूरे ब्रज की धरती अपने आप सज हुई है। पता नहीं कोई एक्सपर्ट कलाकार आकर के अपने कला कुशलता के साथ सजावट किया। गोवर्धन की तलहटी, कालिंदी के तट सब अपने आप मणि मुक्ता तीर्ण से लेकर तरु पर्यंत पुष्प राशि सब विविध अपने आप सजी हुई है, सब अपने आप सजी हुई है। और इस विशेष उत्साह उपहार के साथ ब्रजवासी लोग आकर के पहुँचते हैं और यही आशा है कि अन्न प्राशन होगा, हम उनके प्रसाद पाएंगे। तो तिथि का जो निर्दिष्ट समय जो मुहूर्त था उस मुहूर्त आया, महर्षि ने स्तोत्र स्तुति पाठ करने की आज्ञा दी, अब लाया जाए सबको, अन्न प्राशन का समय आ रहा है। तो गोकुलपति नंद राय ने अपने अंक में नीलोज्वल सी नंदनंदन को लेकर के आए, आ करके जहाँ मंडप बना गया था वहाँ बैठे। तुरंत उनके पास में राइट साइड में दाव आकर सट गए, बैठ गए। इस तरफ ऋषभ, यहाँ विशाल, यहाँ भद्र, यहाँ तो को सारे बच्चे सखाएं सब आकर के आजी पूरे गोकुल के समस्त शिशुओं के पितृत्व के भार नंद राय को संभालना होगा। सब सभी बालकों के लिए वही पिता बनेंगे, वो बने ही है, सबके पिता वही हैं, सबको अन्न प्राशन कराना है, उन्हीं को कराना है। अब कहाँ था भगवती पूर्णमासी के बेटा मधुमंगल दौड़ करके आया, इस बात बाबा मैं हूँ। पता नहीं ब्राह्मण पंडित लोग कहते हैं कि ये तो जब से आया भगवती हम तभी देखे थे, वो बढ़ नहीं रहा है घट रहा है, जैसे जैसे उम्र बीतते जा रहा है छोटा होते जा रहा है। जब आया था किसी का घर में पुत्र ही नहीं था, कोई नहीं थे, तभी आया था, तब तो लग रहा था 5-7 साल की उम्र का होगा, लेकिन अभी लगता है कि राम के समान होगा, ये घट रहा है उम्र उसका। वो अवधूत है, वो आकर बोले बाबा मैं ब्राह्मण हूँ और बड़ा हूँ, सबसे पहले अन्न प्राशन भरा करो। अभी जब ब्राह्मण मंडली के भोजन होता था वो स्तोत्र पाठ कर रहा था, सामगान कर रहा था उनके सामने बैठ करके, सारे ब्राह्मण साइड होते थे सुनने के लिए उनको, ऐसे ससुर सामगान करते थे मधुमंगल ने। तो उनको प्रार्थना किया गया, सारे ब्राह्मण ऋषि मंडली मधुमंगल जी हमारे साथ पंक्ति में प्रसाद पाइए बैठ करके, बिल्कुल सुनी नहीं उनका, ना नहीं खाया, नहीं खाया उनका। अब आकर झगड़ा कर रहे मैं पहले खाऊंगा, अन्न प्राशन मेरा करो, क्योंकि ये ब्राह्मण ऋषि के साथ है, मेरे सखाओं के साथ मैं हूँ, तुम लोग के साथ कौन है। तो उनके सखाओं के साथ आ गए,
लेकिन उनको तो ऐसा अन्न खाना नहीं, उनके लिए तो मोदक पसंद है। ये जितने सब नवरस नौ प्रकार के आइटम बना के रखे उनको देख लिया, बोले ये क्या बना के रखा है, ये खाने के लायक है? मेरे लायक कुछ रखा नहीं तूने। सुमुख गोप ने बुला लिया उनको, बेटा मेरे पास आ जा, बड़ा मोदक लड्डू ले करके बुलाए, दौड़ कर गया, उनके गोदे में बैठ कर लड्डू खाया। वो खाना शुरू कर दिया, सबसे पहले शुरुआत किया। शुरुआत किए महर्षि ने संकेत किए कि अब अन्न दिया जाए मुख में, तो तुरंत पूरे ब्रज के गगन को गुंजित करते हुए समस्त गोपियों का मुख से मंगलगान चलने लगा। ब्राह्मण लोग स्वस्ति भाषण करने लगे। शंखनाद, शंख, सुंगा, वेणु, तुरी, भेरी, दुंदु भी बजने लगा, जय घोष होने लगा। उनके साथ साथ श्री नंदराय ने अपने हाथ से एक छोटी सी ग्रास उठा करके सबसे पहले दाऊ भैया सबसे श्रेष्ठ वही हैं उन्हीं के मुख से देते हैं, राइट साइड वहीं बैठे थे, उनके मुंह से दिए, बलराम के मुंह से, बलराम के मुंह में दिए। सभी आशा कर रहे थे बलराम पाएंगे प्रसाद, बड़े भैया बलराम उसको क्या मुख विकार करके पेट में गिरा दिए। कपड़े तो कोई नहीं पहने थे, सब दिगंबर थे, मुंह से गिरा दिए और मुंह ऐसे विकार करके पापा के ओर में नंद महाराज के मुंह की ओर देखे जैसे उनको उल्हाना दे रहे हैं। पापा ये क्या दे दिया, ना तो मक्खन है, ना दही है, ना दूध है, क्या दे दिया, विचित्र रस है। पहले से कभी एक्सपीरियंस था नहीं, ऐसे मुख विकार करके पिता की ओर देखने लगे और मुंह से सब निकाल दिए उसको, और कुछ लेकर के दे रहे थे, मुंह खोले नहीं, बोले क्या दे रहे, ये खाने के लायक चीज है? क्योंकि अब तक तो कोई दूसरी चीज खाए नहीं, दूध मक्खन ही खा के अब तो थे, अब तक तो कुछ टेस्ट नहीं किए थे, और सारे रस कुछ खाना चाहते थे, वो नहीं होता। ऐसे मुंह से नहीं लिए, ऐसे ऐसे अधर लगा दे, तो नंद बाबा ने मुंह पूछ दिए, बोले ठीक तेरी इच्छा नहीं है। बट तो दूसरे एक छोटी सी ग्रास लेकर के नीलमणि के मुंह में लगाने जा रहे थे, शायद शहद था उसमें, क्यों जानते वो नहीं खा रहे वो क्या खाएगा, वो भी लाल लाल अधर था, उसमें फिड़क दिया, थोड़ा गिर गया, थोड़ा सा जीवा से चाटने लगा, नहीं मधुर रस भी उसको तीखना लगता है, कभी मीठा भी कभी नहीं खाया ना, उनको भी सहन नहीं होता, मीठा रस को भी सहन नहीं कर पाता वो, इतने सुकुमार है। और सारे बैठे थे, सबको मुंह में लगाया, सब मुंह मुख विकार। अब बलराम आ गए, देखने के बाद था जो बलराम सबसे पहले मुंह में लगाए थे, नहीं मुंह खुल नहीं रहा था, नीचे गिरा रहा था, आ करके बाबा के हाथ पकड़ लिए, नंद बाबा का हाथ पकड़ करके उनको, ये सबसे छोटे दाऊ ने अपने पिता के हाथ पकड़ कर बोलते हैं कि नहीं किसी को नहीं देने, सब कुछ आ मुझे खिलाओ। क्यों? क्योंकि जिन रस को इतने कुरस है, टेस्टलेस है, जिनको मैं खुद मुंह से निकाल दिया खा नहीं रहा है, उनको मेरे सखाओं के दिया जा रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर देना चाहते से मुझे दे दो, किसी को मत दो, सब मैं खा लूँगा, मैं सह लूँगा, मेरे सखाओं को कष्ट नहीं होना चाहिए। यही है दूसरे को दुख दर्द को अपने ऊपर लेने के स्वभाव, श्री बलराम का है। जब शिशु थे तभी से ये स्वभाव था, किसी को कष्ट देना तो नहीं, देख ही नहीं सकते, देना तो दूर बात है। इसलिए नंद बाबा जब अन्न प्राशन करने के समय में किसी का मुंह में अलग अलग अन्न रस देना चाहते हैं, बोलते ना ये सब कटु स्वाद है, मेरे पसंद नहीं है, उनको कैसे दिलाएगा, उनको अगर देना चाहते हैं सब मुझे दे दो, मैं खा लूँगा, और किसी को मत खिलाओ, उनको दूध पिलाओ। सबके कष्ट स्वयं झेलने के लिए बलराम आगे आते हैं। इसको देख करके महर्षि शांडिल्य बोले, ब्रज के राजा तो वही होंगे, राजाधिराज यही होंगे दाऊजी महाराज।
आगे चल करके सारे सृष्टि उन्हीं के शरण में रहेगा, वो सबके शरणदाता होंगे। ये ब्रजराज दाऊ जी महाराज, ये उनके जन्मजात स्वभाव है, किसी के कष्ट नहीं देख पाएंगे, सभी के कष्ट को अपने ऊपर ले लेंगे। अब जैसे तैसे करके सबका मुंह में थोड़ा थोड़ा लगा दिया गया। अब क्या करे, अब तो बाकी सबको भोजन पाना था। तो बोले भोजन से पहले ये उत्सव हुआ जाए, अन्न प्राशन के बाद में ये सबका स्वभाव परीक्षा करने के लिए मंडप में सजा करके रखा गया है। नंद भवन के एक मुख्य मंडप बना गया, चारों तरफ सजा करके चार वर्ण और चार आश्रम के सामग्री को भली प्रकार से सजा के रखा है। क्षत्रियों के लिए खड्ग छुरी धनुष बाण और वैश्यों के लिए सब शस्य आदि और गोधन सामग्री रज्जू आदि सब, बित्र सिंगा लकुट रस्सी, और ब्राह्मण के लिए चामर अक्षत और शंख प्रदीप, और शूद्र के लिए नाना प्रकार के आइटम जो काम करने का सामग्री सब रखा गया है सजा करके। और सारे शिष्यों को लेकर के गया, भवन के द्वार उन्मुक्त किया गया, स्वच्छंद रूप से सारे बच्चों को छोड़ दिया। बोले जाओ, सबसे पहले दाऊ को बोले आप जाओ। दाऊ गेट पर गए, आगे नहीं बढ़े। अरे जाओ, कुछ तो ले लो बेटा, आगे नहीं बढ़ रहे। यही है दाऊ के स्वभाव। रोहिणी देवी बोल रहे हैं कि ये तो जन्म से ही उनका हाथ में साधारण शिशु के प्रवृत्ति भी नहीं है। साधारण शिशु हाथ में मुट्ठी में कुछ आए सीधा मुंह में डालेंगे, यही है ना, कुछ भी मुट्ठी में आया तो मुंह में डालेंगे। लेकिन ये दाऊ भैया के मुट्ठी में कुछ आया, किसी के मुंह में देगा सोचेगा कौन है, किसको दूंगा। आपने खिलौना भी, कोई नए खिलौना उनको हाथ में दो, किसी को देने के बाद नाचेगा, हाँ मैं दे दिया किसी को। उसी को देना ही देना आता है, लेना तो आता ही नहीं। तो उनको लेने के लिए बोलते मैं कैसे लूँ, ये तो सबको बुलाओ, ये सबके लिए है, मैं क्यों लूँ। सबके ओर बुलाता है, बोलते आओ सब लेकर जाओ, सब रखा है आओ। अरे तुम ही तो ले लो ना, सभी लेंगे मैं नहीं लूँगा, ये सबके लिए है, ये उनका स्वभाव है। तो महर्षि शांडिल्य ने समझ करके बोले लाला दाऊ, ये सब लाला तेरे से छोटे हैं, तुम जाकर ले करके दो उनके हाथ में, तब वो लेंगे ना, पहले तो आप ला। और तब समझ में आया, तब गए आगे, तब घुटर वन में गए, ये समझ आएगा मैं लाकर सबको दूँ, हाँ सबको दूंगा, देने के लिए तो आगे हूँ, लेने के लिए नहीं। तब दौड़ करके गए सब, अब क्या किसको लाएगा, किसको पहले छुआंगा, क्या लाएगा। सबसे पहले ला करके बेत्र उठाया, एक हाथ में बेत्र, अच्छा शासक है, प्रशासक बनेगा। दूसरे हाथ में हल उठाया, हल क्यों, अब क्या समझे उनके स्वरूप क्या है, बेचारे गोप नहीं समझ पाते हैं ये है कौन, ये नित्य हलधर है, वो नहीं जानते। बोले हाँ खेती बाड़ी करेगा, वो गोपालन भी करेगा, दोनों करेगा, हमारा तो वंश दोनों वंश मिलकर है ना, जदुवंश और ये गोप वंश, दोनों तो असली में एक ही वंश ही तो था, मथुरा वाले ब्रज वाले, ये दोनों उर्म है, यहाँ राजा भी बनेगा और यहाँ खेती बाड़ी भी करेगा, वैश्य भी है और क्षेत्रिय भी है, दोनों है। इस प्रकार से अर्थ किए और एक एक आइटम लगा सभी बच्चों को देने के लिए। बोले नहीं नहीं तुम ठीक है लाओ, दूसरे को भेजे, दूसरे नीलमणि है उनको भेजे, उनको जाने के लिए भेजे, वो गए जा करके सारे आइटम है जाके बीच में बैठ गए, सबको दे, कुछ नहीं लिए, लाला किसको ले लो, नहीं सबके और देखने लगे कुछ नहीं, सब बैठ गए, कितने बोलने पर भी कोई आइटम छूते नहीं। बोले ये इसको क्या माना जाएगा, महर्षि जी बोले क्योंकि ये
निखिल ऐश्वर्य पति हैं, सभी कुछ उनका ही है, वो एक को क्यों लेंगे, सब कुछ उनमें है, ये सारे आइटम उनके अंदर है। सच में आप जो संख्या गणना के बारे में जानते होंगे, भगवान श्री राम प्रकट हुए थे नवमी के दिन, उनकी प्रेयसी सीता भी नवमी के दिन, और जो नौ संख्या है, 1, 2, 3, 4 जो अंक है, एक अक्षर वाले अंक का सबसे श्रेष्ठ अंक है 9। 9 के बाद फिर डबल डिजिट होगा, एक अक्षर वाले में सबसे टॉप मोस्ट है 9। तो इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके बाद फिर दो हो जाएंगे, एक का मर्यादा ही लूप हो जाएगा, एक का सीमा है 9, इसलिए भगवान नौवीं पर रहते हैं, बिल्कुल लिमिट पर रहते हैं, सब में लिमिट है, हर चीज़ उनका 9 का है, और 9 एक ऐसी संख्या है, 9 में जितने 9 मिलाओ, 9 गुना करो, 9 ही होगा, अब जानते हैं कि नहीं, 9 तो 9 है, 9 में 2 गुना करो 18, 8 1 9, 9 में 3 गुना करो 7 2 9, 9 में 4 गुना करो 6 3 9, 9 में 5 गुना करो 5 4 9, और 9 ही रहेगा, कभी मर्यादा से ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन हमारे नंदनंदन वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो मर्यादा तोड़ पुरुषोत्तम है, सब मर्यादा को तोड़ने वाले हैं। बोले हम भगवान हैं, हम एक में रहेंगे क्यों, हम सब में हैं, सर्वाधिपति, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, वो 8 में आए, 8 एक ऐसे अंक है, उसके अंदर 1 से 9, 8 तक सब है, सारे संख्या उसमें होगा, आप हिसाब कर देख लीजिए, है ना, नहीं 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 3 फिर बढ़ते जाएगा, सारे संख्या उसमें आएगा। तो ये भगवान की राशि है, भगवान और उनके राधारानी दोनों अष्टमी है, सर्वाश्वर सर्वेश्वरेश्वरी, सब कुछ उसमें है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई गुण कोई ये शक्ति नहीं, सब कुछ है उसमें, इसलिए एक क्या पकड़ेंगे, सब कुछ उनका है, ये सर्वेश्वरेश्वर है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण बलराम के स्वभाव को देखा गया। अब समय हो चुका था भंडारा का, सारे ब्रजवासी बैठे हैं, युवराज के प्रसाद पावेंगे, युवराज तो मुंह में लेकर के क्या क्या केवल मुंह में मुख विकार करके रख दिए, लेकिन जब सारे ब्रजवासी लोग आशा करके रहे कि हम पाएंगे आपके प्रसाद, तब खुशी से राम श्याम आ गए, जहाँ प्रसाद किचन प्रसाद हल था वहीं आ गए, और सारे आइटम पतले के बैठ गए, सारे आइटम हम खाना है, पहले हम लेने के, जब दूसरे को सुख पहुंचाने का मौका आता है तो कुछ भी कष्ट झेलने के लिए ये दोनों प्रभु आगे आ जाते हैं, राम और श्याम। विशेष करके ब्रजवासियों की सेवा का मौका आए तो कभी ये मौका नहीं छोड़ते, तो सभी को सेवा करने के लिए विशेष करके अन्न प्राशन की तिथि, उसी तिथि में तो पूरे ब्रजमंडल ही पधारा था, और सबका मन में यही विशेष इच्छा था, हमारा नन्हा से युवराज है, सभी के प्राण धन तो ही थे, सचमुच थे ही, ये तो कोई सामान्य पुरुष तो थे नहीं, भले कोई उनको किस प्रकार माने, हमारे नंदनंदन नंद के लाला कुछ कुछ भी माने, लेकिन वो जब सारे आइटम को छू करके किलकरी मार के आनंदित होने लगे, वो सर्व प्रसाद हो गया, सब खुश हो गए, सब जय घोष करने लगे, नंद लाला की जय हो, नंद नंदन की जय हो, चिरंजीव रहो, जुग जुग जियो, सब आशीर्वाद देने लगे। पीबरी तुंगी जसोदा जब उनके ताई चाची सब बोले, अरे हमारा आशीर्वाद नहीं, पूरे ब्रज के जितने बड़े बूढ़े हैं सब भर भर का आशीर्वाद देते हैं, हाँ नंदन नंदन को राम श्याम को सभी ने आशीर्वाद देते हैं, जिनका पास जो इच्छा था सारे आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग यो बेटा,
और आशीर्वाद देकर के उनके प्रसाद पाना चाहते हैं। ये अद्भुत रस है, जिनको आशीर्वाद देते हैं उनको प्रसाद भी दो, नहीं आशीर्वाद देंगे उनके प्रसाद पाएंगे, ये अद्भुत रस है। ये केवल उन्हीं के अंदर पाया जाता है, यही पाया जाता है। तो इस प्रकार से श्री राम श्याम के अभी घुटर बन मतलब घुटने पर चलना, भूमि पर सरक सरक करके आनंद प्राप्त करना, किलक करके सबको हंसाना, आनंदित करना, और अन्नादि रस प्राप्त हो चुका है। अब उनका विविध प्रकार के शैशव लीला शुरू होने वाला है। अभी असली शिशुपन शुरू होगा, क्योंकि अभी घर में पलने पर कि गोद पे बेड पर अभी नहीं, अब तो चलते हैं, भागते रहते इधर उधर, लेकिन एक बात है, आंगन के बाहर नहीं जा पाते हैं। क्यों? पहले जमाने में जब गेट होता था ना, दरवाजा, उसको चौकाट बोलते थे, चार काट होता था, ऊपर में एक, नीचे एक, दो साइड में दो। आजकल के ड्राइंग्स में नीचे वाला हटा देते हैं, सिरपट सीधा, कोई सांप आए, बिच्छू आए, सीधा घुसेगा, कोई स्टॉप नहीं है। पहले स्टॉप होता था, दहली नहीं है, दहली समझते ना, चौकाट नीचे वाला होता था, वो नहीं है आजकल तो। लेकिन नंदा भवन में तो एक फुट डेढ़ फुट की दहली हुआ करता था, उसको पार करके नहीं, जैसे दौड़ दौड़ कर आते थे दोनों भाई राम सब यहाँ बैठते थे, ये सीमा पार नहीं कर पाते, बड़े चिंतित थे ये कैसे पर्वत पार करे, हिमालय पर्वत है ये, कब सौभाग्य होगा ऐसे चढ़ करके जाएं उस तरफ, हो नहीं पाता था, यहीं तक आते थे, लेकिन यहीं तक आकर फिर वापस चले जाते थे। लेकिन वापस जा करके छोटे थे तब तो पलने पर थे कि बेड पर थे, तो जसोदा रोहिणी अपने घर के काम में थे, लेकिन अभी तो जितने बड़े हुए इतने परेशान करके रखे कि अभी घुटरबन में जब चलने लगे, चूल्हा में आग जलता है, कहीं इधर गए हैं जाकर सीधा उनको आग लगता है, कोई फूल है पकड़ के सीधा मुंह में डालना चाहते, हाँ 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 देख के पकड़ने, हाथ लगाने वाले थे, जाकर कैसे पकड़े बताओ। दास दासी और रानियों को इतने सतर्कता बरतना पड़ता है, अस्त्र शस्त्र रखा, जाकर खुद पकड़ लेते हैं, आँख को पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, क्या करते हैं, घर के अंदर तो धूम मचा के रखें, अब कम से कम घर के अंदर है, अभी बाहर नहीं गए, अभी काल तो बाहर निकल ही जाएंगे, काल के बाद कल सुनेंगे क्या होता है। हरे कृष्ण, श्री नंदनंदन कृष्णचंद्र भगवान की, आप सबकी।